ऊना नंगल हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब बेहद व्यस्त इस रोड पर चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने कार को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। गनीमत रही कि चालक सहित एक अन्य व्यक्ति समय रहते कार से बाहर निकल आए। जब तक दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची तब तक कार राख के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। हादसा ऊना नंगल रोड पर हुआ। जानकारी के अनुसार रगेड़ा निवासी रामलोक कार में सवार होकर नंगल से आरटीओ कार्यालय ऊना की तरफ आ रहा था। गाड़ी में वाहन मालिक भी सवार था। जैसे ही वो सैनी स्वीट शॉप ऊना के समीप पहुंचे तो अचानक गाड़ी से धुआं उठने लगा। रामलोक ने कार पुल के बीच ही खड़ी कर दी। रामलोक और कार मालिक तुरंत कार से बाहर निकल आए। इसके बाद देखते ही देखते कार से आग की लपटें उठने लगी। कुछ ही मिनट में गाड़ी धूं धूं कर जलने लगी। लोगों ने हादसे की सूचना दमकल केंद्रीय रामपुर यातायात पुलिस को दी। थोड़ी ही देर में दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। दमकल केंद्र के प्रभारी करमचंद करतार सिंह व वरिंद्र कुमार समेत अन्य कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सड़क के बीच हादसा होने से कुछ देर के लिए जाम भी लग गया। पुलिस अधीक्षक दिवाकर शर्मा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद जाम खुलवाया गया।